आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। कीरतपुर मनाली फोर लेन पर मजदूरों का प्रदर्शन, अधिक सेफ्टी उपकरण की उठाई मांग। गोल्डन टेंपल पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के सीएम से द्विपक्षीय मुद्दों पर भी की बात। धू-धू कर जला पी जंगल, शरारती तत्व ने लगाई आग। बिलासपुर शहर में 45 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या। जिला परिषद बैठक में गूंजे मुद्दे। ऊना में राजभाषा सम्मान समारोह का आयोजन, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों कीरतपुर मनाली फोर लेन की टनल नंबर 1 के समानांतर बनाई जा रही कैंची मोड़ मेहला टनल के निर्माण कार्य के दौरान हादसे में हुई मौत के बाद आज मजदूरों ने टनल के बाहर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना था कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए व घायल मजदूर का भी सारा खर्चा कंपनी वहन करे। मजदूरों द्वारा काम बंद करने की सूचना पर टनल निर्माण कार्य में लगी भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप मुखर्जी साइट पर पहुंचे और मजदूरों से बात की। मजदूरों ने मांग रखी कि निर्माण कार्य के दौरान उन्हें पहले की तुलना में और अधिक सेफ्टी उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। संदीप मुखर्जी ने मजदूरों को आश्वासन देते हुए कहा कि कंपनी की संवेदनाएं मृतक मजदूर परिवार के साथ हैं तथा मृतक के परिवार को उचित सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हाँ सर, वो तो सेफ्टी से तो काम होते ही है सर, जैसे सेफ्टी से मना करेंगे, हेलमेट भी नहीं हमारे पास, तो ना शूज है। नहीं, हेलमेट और शूज तो होते ही है सर, जो करते हैं काम अंदर जो रहते हैं सर, हेलमेट और शूज के साथ में रहते हैं। जो बोल रही थी कि कंपनी फॉलो नहीं कर रही है जो सुरक्षा के लिए। नहीं ऐसा नहीं है सर, काम ऐसे तो होता है सर, सारे सेफ्टी है। मतलब कोई लेबर ऐसे होते कि आपने लापरवाही नहीं लगाते, कंपनी से दिया हुआ सब कुछ सेफ्टी है। मतलब लेबर में आपने लापरवाही करके नहीं लगाते, सेफ्टी तो दिया हुआ। हादसा कितने को हुआ, आप यहाँ थे? हाँ मैं थोड़ा यह साइड में नहीं था, मैं अभी अंदर ही था। अच्छा, यह इस साइड में नहीं था, बाद में थोड़ा अंदर फाइव में ये जो हो गया कजल, इसी में फाइव में था तो यहाँ कजल हो गया था। अभी मतलब मुझे देखा भी नहीं लगा, वो होते नहीं लगा कुछ ऐसे। मतलब सेफ्टी ठीक है इधर, अब जो भी हुआ कुछ भी हुआ मतलब इसको मिलना चाहिए कुछ घर वालों को। हम बात आगे तक पहुंचा देंगे घर में उनके घर वालों से कि इनको जो भी हो गया उनके घर वालों से, बीबी बच्चों को मिलना चाहिए कुछ भी, चाहे कंपनी से हो चाहे गवर्नमेंट से, मिलना चाहिए सर। रिश्तेदार नहीं था, मैं जानता हूँ, दोस्त है उससे भी, नेपाल का ही है, कोई भी रिश्तेदार भी कोई भी नेपाल का दोस्त समझ लो। हाँ दोनों नेपाल के, मामा भांजा था, मतलब कुछ चोट लग गए मर गए, एक मतलब सीरियस है अभी, उनको भी मतलब उपचार होना चाहिए कहीं भी लो, अच्छे हॉस्पिटल में उपचार होना चाहिए। जो मर गया उसका भी मतलब सही वो होना चाहिए, जो क्या मिलना है कंपनी से मिलेगा या गवर्नमेंट से मिलेगा वो पूरा मिलना चाहिए सर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर अमृतसर में बैठक की। इस दौरान दोनों के बीच विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा हुई। दोनों राज्यों के उच्च अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने शीश नवाया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भरत खेड़ा भी मौजूद रहे। जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ लगते पीच के जंगल में आग लगी है। शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगाई है जिससे लाखों की वन संपदा राख हो गई। इसके साथ रिहाइश भी है। इसके पीछे से युवा की चिंगारी भड़की और जंगल के बड़े एरिया तक फैली। काफी देर तक आग बुझाने के लिए ना ही कोई वन विभाग और ना ही क्षेत्र के लोग पहुंचे। अभी भी जंगल सुलग रहा है। बिलासपुर शहर में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान डियारा सेक्टर निवासी उम्र 45 साल के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेज दिया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक आत्महत्या करने का कारण पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से यह व्यक्ति अपने घर में मौजूद नहीं था। वह अपने चेतना चौक के साथ दूसरे घर में पहुंच गया था। हालांकि परिजनों ने इस व्यक्ति की तलाश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। मोबाइल फोन पर भी संपर्क किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। संदेह के आधार पर मंगलवार को चेतना चौक के समीप बने दूसरे मकान के पास स्थानीय लोग पहुंचे। वहीं पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और मकान की खिड़की तोड़कर अंदर पुलिस ने देखा तो इस व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर मदन लाल धीमान ने बताया
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। हमारे चेतना चौक में सदर के क्षेत्र में सुसाइड का मामला आया था, तो इसमें हमारे डीएसपी साहब वहाँ मौके में पहुँचे हैं, तो वो इस चीज़ को देखेंगे, वेदर केस ऑफ नेचुरल या अननेचुरल जो भी है वो डिटरमिन करेंगे कि कैसे सुसाइड हुआ, और उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। और परिवार वालों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है, और इसका जल्द से जल्द जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपसे शेयर करूँगा। कुल्लू में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष कुल्लू पंकज कुमार ने की। बैठक में खासकर आपदा के नुकसान और आपदा के दो महीने में विभागों ने मरम्मत कार्यों में क्या किया, इस बारे में चर्चा की गई। वहीं जो अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं रहे उसको लेकर जिला परिषद सदस्य नाराज दिखे और अधिकारियों से कार्यों में तेजी लाने के भी इस दौरान निर्देश दिए गए। इसमें खासकर सड़कें, बिजली, पानी की समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से लंबित पड़े कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। डीसी कार्यालय ऊना में मंगलवार को राजभाषा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भाषा विभाग की तरफ से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त राघव शर्मा ने राजकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मातृभाषा हिंदी के अधिक से अधिक उपयोग होने के चलते कार्यालय में आने वाले आम नागरिकों को भी उनके कार्यों के निष्पादन के संबंध में काफी सहायता मिलती है। जबकि देश भर में मनाए जाने वाले हिंदी पखवाड़े के तहत इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हुए साल भर की राजकीय गतिविधियों में हिंदी का विशेष रूप से प्रयोग करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। ये सरकार की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसको सरकारी कार्यालयों में जो सरकारी कामकाज है उसमें प्रयोग किया जाए। इसका एक लाभ जो है वो नागरिकों को भी होता है, क्योंकि जो विशेषकर ग्रामीण लोगों ग्रामीण इलाके में लोग रह रहे हैं उनको अगर पत्राचार हिंदी में होता है तो उनके लिए समझना जो है बहुत ही आसान हो जाता है उसको। तो अंग्रेज़ी की जगह हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, ये सरकार की आधिकारिक नीति है। और इसमें राजभाषा का जो पखवाड़ा है वो सितंबर माह में मनाया जाता है, और हर जिले के लेवल पे और राज्य के लेवल पे भी जो कर्मचारी, अधिकारी और विभाग राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनको प्रेरणा देने के लिए और बाकियों को मोटिवेट करने के लिए। तो इसी क्रम में आज जिला ऊना के जो भाषा कार्यालय है वहाँ से कुछ विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को जो सम्मानित किया गया है। इसमें मत्स्य विभाग ऊना जो है वो सर्वोत्कृष्ट पाया गया है हिंदी के कार्यालय में जो प्रयोग के लिए। साथ ही जो हमारी छठी गृहवाहिनी है होमगार्ड्स की, उसके जो कमांडेंट हैं और सुपरिटेंडेंट हैं उनको अधिकारी और कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा राजभाषा का योग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनके रूप में सम्मानित किया गया है। सांख्यिकी विभाग के कर्मचारी जो हैं उनको जो है वो उसमें सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मान है वो दूसरों को जो है वो प्रेरित करेगा कि राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग जो है वो सरकारी कामकाज में करें। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।